गूगल दुनिया की मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसका मुकाबला आज की दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आज चाहे गवर्नमेंट फॉर्म भरने हो या फिर कोई जानकारी लेनी हो, सबसे पहले गूगल को ओपन किया जाता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एक बेहतरीन लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें सुंदर पिचाई ने अपने पूरे जीवन में सीखी हों वो मैं आपको सिर्फ 8 मिनट में सिखा पाऊँ? वेल, इसका आंसर है हाँ। आज सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अमेरिकी भले ही हूँ लेकिन मेरा दिल हमेशा इंडिया में ही रहेगा। सुंदर पिचाई हमारे देश के एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंडिया किसी से कम नहीं है, इंडिया चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्त, बिना देरी के शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के थे। इसके पिता का नाम रघुनाथ था और वे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। सुंदर पिचाई ने अमेरिका में एक स्पीच दी थी और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे वो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचे। वो स्पीच बहुत लंबी थी और इंग्लिश में थी, लेकिन उस स्पीच को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से यह सीख लिया था कि अगर ज़िंदगी अच्छे से जीनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने कैसे ना कैसे करके अपनी कॉलेज पूरी की और मुझे अमेरिका आने का मौका मिला। जब मैं गूगल में काम करता था तब मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आया और कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपनी कंपनी के सीईओ बना देंगे। जैसे ही बात मैंने अपने गूगल के बॉस को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसी कंपनी छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बनाया जा रहा है। गूगल के मालिक ने सोचा तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए। और जैसे ही गूगल के मालिक ने अपने एम्प्लॉयमेंट से पूछा कि सुंदर पिचाई को जाना चाहिए या नहीं, तब 90% लोगों ने कहा कि अगर सुंदर पिचाई चला गया तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तभी कंपनी के मालिक ने सोचा तो फिर क्यों ना सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना देता हूँ, और इस प्रकार मुझे गूगल का सीईओ बना दिया गया। मिस्टर अरविंद कृष्णा जो कि IBM के सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $15 मिलियन। इंदिरा नोई जो कि पेप्सी के सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $31 मिलियन, यानी करीब करीब 200 करोड़ रुपए से ऊपर। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनकी सैलरी है $43 मिलियन। और सबसे ऊपर सुंदर पिचाई जिनकी सैलरी है $281 मिलियन, करीब करीब 2000 करोड़ रुपए से ऊपर। इन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया गया है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस कंपनी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा दूंगा। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कौन सी वजह से लोग गूगल को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें देखने को मिला कि जब गूगल पर सर्च किया जाता है तो गूगल बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है सर्च करने में। तो सुंदर पिचाई ने सोचा तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम गूगल पर सर्च करें और जानकारी तुरंत आ जाए। उन्होंने अपनी टीम के लिए फ़ोन लगाया और उन्होंने अपनी टीम से कहा कि मुझे गूगल का सर्च इंजन इतना फास्ट करना है कि कोई भी सर्च करे और उसका आंसर तुरंत आ जाए। तब सब लोग कहने लगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। उनकी सोच ही ऐसी थी तो कोई क्या कर सकता है। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि तुम चाहे 2 घंटे मेहनत करो या 10 घंटे मेहनत करो, मुझे गूगल का सर्च इंजन इतना फास्ट करना है कि कोई सर्च करे और आंसर तैयार। और आज हम सब गूगल यूज़ कर रहे हैं और हमको पता है कि गूगल का सर्च इंजन कितना फास्ट है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं कभी भी अपने मन मुताबिक काम नहीं करता हूँ बल्कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एक बार की बात है, एक बार मैं शादी में जा रहा था, तभी मैं रास्ता भटक गया और जहाँ पर 8 बजे पहुँचना था वहाँ पर मैं 10 बजे पहुँचा। मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा मैप बनाऊं जिससे कोई भी रास्ता भटके ना। उन्होंने आधी रात को ही अपने एम्प्लॉयमेंट को फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे सुबह अपने टाइम पर मिलो, और अपनी टीम को बताया कि एक मैप तैयार करना है जो कि हर गली की जानकारी रखे। कल जिस तरह मैं रास्ता भटक गया था, मैं चाहता हूँ कि कोई और भी रास्ता भटके ना। हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद गूगल मैप को लॉन्च कर दिया। यानी कि दोस्तों, अब आप लोग सोच ही सकते हो कि उस बंदे के अंदर कितना टैलेंट होगा, कितनी स्किल्स होगी उसके अंदर। और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। एक बार गार्डन में बैठकर सुंदर पिचाई चाय पी रहे थे, तभी उनकी बेटी एक फूल लेके आई और कहने लगी कि पापा ये कौन सा फूल है। सुंदर पिचाई ने कहा कि मुझे नहीं पता। तभी उनकी बेटी ने कहा कि पापा आप तो इतने पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी आपको नहीं पता, तो फिर क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। सुंदर पिचाई ने सोचा कि बात तो सही कही है, जब मुझको ही नहीं पता है कि इस फूल का नाम क्या है तो फिर औरों को कैसे पता चलता होगा। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ऐप बनाऊं जो कि किसी भी चीज़ को स्कैन करे और उसकी पूरी जानकारी निकाल दे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के लिए कॉल लगाया और कहा कि जल्दी मुझसे सुबह आके मिलो। सभी लोग पहुंचे और कहने लगे कि सर अब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है जिससे कोई भी स्कैन करे तो उसकी पूरी जानकारी निकल के आ जाए। सब लोग कहने लगे सर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, काम करो।
और फिर क्या, कुछ टाइम बाद उन्होंने गूगल लेंस को लॉन्च कर दिया, जो कि ये बता देता था कि इस चीज़ का नाम क्या है, ये चीज़ ऑनलाइन कितने की मिल रही है, ऑफलाइन कितने की मिल रही है, सबसे सस्ती कहाँ मिल रही है, मतलब हर चीज़ के बारे में सब कुछ बता देता था। और उनकी हर चीज़ एकदम सक्सेसफुल हुई। सुंदर पिचाई एक ऐसा बंदा था जो कि हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। उसे पता था अगर मैं लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर सकता हूँ तो एक दिन मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सुंदर पिचाई हमेशा से कहते थे कि पैसा कमाने से कोई बड़ा नहीं होता है, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर करके बड़ा बना जाता है। एक बार सुंदर पिचाई चाइना गए थे और वहाँ पर एक लेडी चाइनी बोल रही थी और ये इंग्लिश बोल रहे थे। तभी उस लेडी ने कहा निहाओ, अब इनको चाइनीज बोलने नहीं आती थी। तब इन्होंने सोचा दुनिया में ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं तो हम कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो कि भाषा को कन्वर्ट कर सके। अगर हम हिंदी में बोले तो वो एप्लीकेशन उसे चाइनीज में ट्रांसफ़र कर दे। और फिर क्या, उन्होंने अपनी टीम के लिए कॉल लगाया और कहा कि मुझसे जल्दी ऑफिस में मिलो। टीम वाले बोलने लगे कि सर अब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो कि भाषा को कन्वर्ट कर सके। और फिर क्या, कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने गूगल ट्रांसलेशन को लॉन्च कर दिया। आज गूगल के पास करीब करीब 50 ऐप्स हैं और अल्फाबेट के CEO भी सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई ने गूगल असिस्टेंट को भी लॉन्च कर दिया जो कि अलार्म सेट कर सकता है, आपकी TV बंद कर सकता है, आपका पंखा बंद कर सकता है, आपका बल्ब चालू कर सकता है, यानी आप कहोगे वो कर सकता है। तो दोस्त अब आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। सुंदर पिचाई हमारे देश के वो हीरा हैं जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। और ऐसी स्पीच सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।